सो गाइज आप देख रहे हैं ये पापा बेटी वाला प्यार। यहाँ पे बाबू ना डांस कर रहे थे, मिशी का डांस कर रही थी तो, और बाबू भी यहाँ पे कर रहे थे तो कह रहे थे देखो मिशी का मैं तुम्हारे साथ प्यार कर रहा, वो तुम्हारे साथ डांस कर रहा हूँ। एंड सच बताऊँ ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हाँ ये है मिशी का कि अब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे याद आने लगी। अब ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा और बस अब आ जाए बस जल्दी से, और अब वो जल्दी से आ भी जाएगी। यहाँ पे देखो दोनों साथ साथ डांस कर रहे, और जब नहीं कर रही थी ना तो बार बार बोलती पापा आप करो, आप करो, पापा ऐसे करो, पापा वैसे करो। सो चलिए मैंने ये ना ये ब्लॉग में ये वाली क्लिप इसलिए इंक्लूड की क्योंकि मुझे ना ये बहुत अच्छी लगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशिकाज फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस अभी आप देख सकते हैं मेरे फेस पे हाफ मेकअप है, हाफ इन द सेंस मैंने अभी अपना आई मेकअप कर लिया है जो कि मुझे अच्छा लग रहा है, पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरी ये जो कुर्ती मैं पहनी हूँ ना, इसके मैंने कलर को का टेस्ट रखते हुए ही अपना पूरा आई मेकअप किया है। यहाँ पे हल्का सा ऑरेंज कलर को पिक किया है, येलो कलर भी है इसमें, फ्रोजी कलर भी है, जिस तरीके की ये कुर्ती है। एंड एक बहुत ही फनी चीज़ बता रही हूँ, एक्चुअली मैं जब ये मैंने कुर्ती मंगाई थी ना तो इसके अंदर की जो कोटी है वो नहीं आई थी, मुझे लगा था साथ में आएगी, नहीं आई थी। अब मेरे को लग रहा था मुझे इस पर मेकअप करना है बिकॉज़ मुझे ये बहुत पसंद है, बट मैं कैसे करूँ क्योंकि इसके अंदर कुछ पहनने के लिए था ही नहीं फ्रोजी कलर का। मैं दिमाग में आइडिया आया कि यार मेरे पास फ्रोजी कलर का सूट पड़ा होगा एक आध, मैंने देखा सच में मेरे पास ना फ्रोजी कलर का सूट था, तो इसके अंदर जो है ना एक सूट पहना हुआ है मैंने। ये देखो इसकी डिज़ाइन भी आप देख सकते हो, इस तरीके का सूट है, इसको मैंने इस तरीके से कवर कर दिया है। एंड ये सूट मतलब पूरा मैच हो गया, आप नीचे भी ना ये प्लेन है, देखो ये सूट जो है ना इस तरीके का है अंदर वाला और ये वाला ऐसा तो मैंने ऐसे जुगाड़ बनाया। और तो इसका लुक जो था ना, मुझे ये लुक लेना था बिकॉज मेरे पास ना बहुत सुंदर, इसके लिए मैंने ना 250 रुपये के इयर रिंग लोकल मार्केट से खरीदे थे, ये वाले सी, ये लोकल मार्केट की इयर रिंग है, मैंने 250 रुपये के खरीदे थे, बट मुझे ऑनलाइन ये वो बहुत सस्ते मिल रहे थे, बट क्या करूँ मंगा ही लिए। तो मुझे ये था कि मुझे इस तरीके का कुछ लुक करना है, दैट्स वाई मैंने इसे मंगाया। अभी मैं पी रही हूँ चाय तो मैंने इसलिए ब्लॉग स्टार्ट कर लिया, मुझे निकलना है मेरे ससुराल। तो मैं सोच रही हूँ कि जितने मेकअप वीडियो हो सकते हैं लाइक 3-4 मेकअप वीडियो, बाकी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो नए चैनल के लिए कर लूँ। ब्लॉगिंग तो ससुराल में थोड़ी बहुत हो जाती है, पर मेकअप वगैरह वीडियो वहाँ नहीं हो पाएंगे क्योंकि मैं नहीं इतना टाइम निकाल पाती हूँ वहाँ पर। बट वहाँ के जो ब्लॉग आएंगे ना आपको बहुत मज़ेदार लगेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, क्योंकि देखो पूरा घर बन गया है मेरा एंड आई एम सो हैप्पी। ये 2.5-3 महीने में केवल पापा के लिए वहाँ पे हैं एंड वो उन्होंने कैसे मैनेज किया एंड ऑल पता नहीं सकती। कल वीडियो कॉल में पूरा घर देखा, ऐसा लग रहा था ना ऐसे तर तर करके आंसू निकल रहे थे यार। इसलिए नहीं कि घर देखो, बहुत छोटी सी चीज़ आपको बताऊँ ना, घर इंसान का ड्रीम होता है, सपना होता है। एंड पापा घर सिर्फ इसीलिए नहीं बनवाते थे कि वो चाहते थे कि उस घर में एक ईंटा भी लगे ना तो उनकी आँखों के सामने लगे। और इस बीच में शादियाँ हुई परिवार में, क्या कुछ भी हुआ, पर पापा कहीं नहीं गए। पापा का था कि मुझे अब घर बनवा लेने दो ढंग से, मुझे प्रॉपर टाइम देने दो। ठेकेदार को दिया था बट पूरा पापा की निगरानी में है, मतलब क्या टाइल्स लगना है, क्या पुट्टी होनी है, क्या पेंट होना है, क्या लाइट लगनी है, सब कुछ पापा उसके अकॉर्डिंग पापा पैसे बढ़ाते जा रहे हैं ताकि मेरा घर जो है चाहे वो 2 कमरे का ही बना हो लेकिन वो अच्छा बने। तो इस बार जब जाएंगे ना तो सारा कुछ आपको दिखाएंगे, बहुत मज़ेदार रहेंगे। देखो पहले भी मेरे ससुराल के ब्लॉग्स जो है ना पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, एक एक ब्लॉग मैंने 10-10 बार वॉच किया है। मुझे जब भी मैं दमों को मिस करती हूँ मैं मेरी ब्लॉग देख लेती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं वही हूँ, वही सब मैं कर रही हूँ इतना मतलब वो होता है बिकॉज मैं ना सीरियसली गाइज, मे बी शायद आप यहाँ पर बोल सकते हो कि मैं वो ब्लॉग में दिखा देती हूँ जैसे कि अभी मेकअप कर रही हुई दिखा देती हूँ, वहाँ पे बिल्कुल जो चल रहा होता है बिल्कुल सेम चल रहा होता है सेम। इधर पे मेरे पास अपने लिए टाइम होता है लाइक मेकअप कर रही हूँ, तैयार हो रही हूँ, बच्चों को खिला रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, वहाँ पे मतलब लाइफ ही चेंज हो जाती है। बट सीरियसली इधर से अच्छा लगता है मुझे वहाँ पर बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं खाना बनाती हूँ, पापा को खिलाती हूँ अपने हाथ का खाना, बिकॉज अभी तो बेचारे खुद ही बना के खुद ही खा लेते हैं, बहुत दुख होता है। बट एक है ना कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बहुत एक होता है ना बहुत मजबूर इंसान हूँ,
मैं चाहती हूँ वो यहाँ आके मेरे साथ रहें, हम लोगों के साथ रहें, और होप्सो कभी रहेंगे भी, बिकॉज बहुत रह लिया यार अकेले कुछ गाइज, हम लोग वीडियो बनाने की उसमें सेव करो जब ब्रेक लेते हैं वीडियो बनाते टाइम, फिर हमारी मेगा ऐसा कुछ ना कुछ खाती है। ब्रेकफास्ट लेती हैं, पहले आप स्नैक ये तो देखो कि वगैरह। हम इस कुर्ती के नीचे पहने क्या है। और ये हमारे मंस ये आशा में खड़े रहते हैं कि मम्मी अब देंगी खाने को। हाय करो मंस, हाय हाय करो, वीडियो के चक्कर में इतने मस्त हो गए। हाय हेलो, आ करो। हाँ ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ये। निकालना दही, काम चला हुआ लगाओ ये देखो। इतने जुगाड़ कोई करता है सुबह सुबह के में बताए 7-8 बजे अभी अभी भी चेहरा खाऊं मैं देखो। सो गया। ऑफिस कितने बजे तक निकलोगे? हाँ जाएंगे 11-12 बजे तक। आज देखिए इतना लेट गाइस क्यों, सेटअप, इतना लेट क्यों जा रहे हैं बताओ? हाँ इतना लेट क्यों जा रहे हैं? तुम्हारी वीडियो हो जाए फिर जाएंगे, ना मंस परेशान करेगा। मेरी वजह से लो मंस बात करो। इस सूट मेरा कंप्लीट हो गया है और मुझे जाना है अभी छत पर। मैं सोच रही हूँ एक दो रील वहाँ पे बना लूँ और फिर खाऊंगी मैं खाना। देखा थी वीडियो बनाते बनाते ना, मैंने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लिया था तो अभी ऐसे कि भूख ज़्यादा नहीं लगी है, बट हाँ खाना तो है ही ना। और मेरा ये फ़ोन ना बिल्कुल डिस्चार्ज हो रहा है, जब भी मैं वो क्या बोलते मेकअप वीडियो शूट करती हूँ ना, मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है। रीज़न इज़ दैट कि मैं जब तक वीडियो बनाती हूँ ना तब तक वो चलता रहता है। सो अभी मैं जाऊंगी छत पे और मुझे ना आज का मेकअप लुक बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छे लग रहे हैं ये लेंस ना मुझे बाबू ने, मतलब बाबू ने ला के दिए थे। मैंने उनको बोला था कि कोई अच्छे से लेंस ले आना 2-3 पेयर, और क्योंकि मैंने जो अमेजोन से मंगाया वो तो है ही मेरे पास बट वो लाइट शेड है। मैंने उनको बोला था थोड़ा डार्क शेड लेके आना, तो एक वो ये वाले लाए हैं और एक थोड़े पर्पल कलर के हैं वो वाले लेके आए हैं या है। एंड मैंने बालों को कुछ नहीं किया था, बस इतना सा ये कर्ल कर लिया था ताकि थोड़ा अच्छा सा लुक आए। एंड अगर आप लोग मुझे मेरे नए चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हो या फिर अभी तक आपने मेरे नए चैनल को नहीं देखा तो क्या कर रहे हो, प्लीज आप लोग वहां पे मुझे सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों की हेल्प मुझे चाहिए है उस चैनल पे, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जैसे आपने इस चैनल पे मुझे इतना सारा प्यार दिया, उस चैनल पर भी आप प्यार दीजिए। उस चैनल पे मैं पूरी कोशिश करूंगी अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की। एंड मैं हर दिन कुछ नया सीख रही हूँ और साथ ही साथ वो अपने अंदर उस चीज को ला रही हूँ। अगर मैंने कुछ मेकअप में नए स्किल्स सीखे हैं तो मैं आपको वहां बता रही हूँ, जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए काफी हेल्प हो जाएगी। सो चलिए इसको अब मैं चार्ज रहने देती हूँ, थोड़ा पानी वानी पी लेती हूँ, फिर मैं छत पे जाती हूँ। सो गाइस हमारा छत वाला जो सूट था वो डन हो चुका है और अब हम जा रहे हैं नीचे, अब हम खाएंगे खाना। खाने में आज मैंने अंजलि से बोल दिया था तो उनकी मम्मी भी आई थी साथ में, तो उन्होंने आलू की भुजिया और पराठे बनाए हैं, हम वही खाने वाले हैं। और उसके बाद आज मुझे बहुत सारा काम है, ससुराल निकलना है तो बहुत सारी तैयारियां करनी हैं, सो मैं वो करूँगी। और फिलहाल मैं मेकअप रिमूव करूँगी बिकॉज इतना मेकअप करके मार्केट नहीं जा सकते हो आप, तो चलो चलते हैं। अंजलि पराठा गरम कर, वो सब्जी गरम कर दो छोटी। सो चलिए गाइज ये ब्लॉग चिट चैट ब्लॉग जो है आई रियली होप कि आपको पसंद आया होगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच आप लोगों ने इस ब्लॉग को वॉच किया, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो है ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर। प्लीज़ प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक कॉमेंट करे बिना बिल्कुल भी मत रहिएगा। चलिए मिलते हैं।